नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में आपको सेंट्रल सेक्रेटरीट मेट्रो स्टेशन के बारे में बताएंगे। सेंट्रल सेक्रेटरीट आपका इंटरचेंज स्टेशन है जो आपका येलो लाइन और वॉयलेट लाइन तो आपस में कनेक्ट करता है। येलो लाइन आपकी वो लाइन है जो दिल्ली से गुड़गांव को जोड़ती है और वॉयलेट लाइन आपके दिल्ली से बदरपुर की तरफ जाती है, आपके फरीदाबाद की तरफ। सेंट्रल सेक्रेटरीट मेट्रो स्टेशन की सर्विस स्टार्ट हुई थी 3 अक्टूबर 2010 को और ऑन डेली बेसिस कम से कम 50,000 लोग इस मेट्रो स्टेशन का यूज करते हैं। दोस्तों, सेंट्रल सेक्रेटरी मेट्रो स्टेशन के आपके 4 प्लेटफॉर्म हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 1 से आपको मेट्रो मिलती है हुड्डा सिटी सेंटर की तरफ, प्लेटफॉर्म नंबर 2 से समयपुर बादली की तरफ, प्लेटफॉर्म नंबर 3 से एस्कोर्ट मुजस्सर की तरफ, प्लेटफॉर्म नंबर 4 से कश्मीरी गेट की तरफ आप मेट्रो पकड़ सकते हैं जो आपकी ITO लाल किला होकर गुजरती है। सेंट्रल सेक्रेटरी मेट्रो स्टेशन आपका नियर बाय स्टेशन है इंडिया गेट के। इंडिया गेट का डिस्टेंस सेंट्रल सेक्रेटरी मेट्रो स्टेशन से सिर्फ 3 किलोमीटर है। आपको सेंट्रल सेक्रेटरी मेट्रो स्टेशन से बाहर निकलना है, वो भी गेट नंबर आपके 3 से। गेट नंबर 3 आपका इंडिया गेट की तरफ निकलता है, तो गेट नंबर 3 से आप बाहर निकलेंगे और वहाँ से ऑटो पकड़ेंगे और इंडिया गेट आप आराम से पहुँच जाएंगे। इसके अलावा सेंट्रल सेक्रेटरी आपका नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है कृषि भवन के, रेल भवन, विजय चौक और रेड क्रॉस की बिल्डिंग। इसके अलावा पार्लियामेंट्री हाउस भी इसके काफ़ी पास है दोस्तों, कृषि भवन। अब हम बात करेंगे सेंट्रल सेक्रेटरी मेट्रो स्टेशन के गेट्स के बारे में। सेंट्रल सेक्रेटरीट मेट्रो स्टेशन के 5 गेट हैं जो एग्जिट गेट है आपके। पहला गेट है आपका जो रेड क्रॉस बिल्डिंग की तरफ निकलता है। दूसरा गेट से आप बाहर निकल सकते हैं कृषि भवन की तरफ। गेट नंबर 3 से आप बाहर निकलेंगे अगर आपको इंडिया गेट की तरफ जाना है। गेट नंबर 4 से आप बाहर निकलेंगे विजय चौक की तरफ। गेट नंबर 5 से आप बाहर निकलेंगे रेल भवन की तरफ। तो दोस्तों, ये 5 एग्जिट गेट हैं आपके सेंट्रल सेक्रेटरीट मेट्रो स्टेशन के और आपको जिस तरफ जाना हो उसी तरफ के मेट्रो गेट से आप बाहर निकलिए तो आप अपनी डेस्टिनेशन पे आराम से पहुंच जाएंगे। दोस्तों, अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।